मिलते हैं हम खालिद साहब से और उनके शौक के बारे में, और अब हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ठीक, तो आज आप अपने बताएंगे अपने शौक के बारे में। हाँ जी बिल्कुल। आपने क्या क्या रखा है? माशाल्लाह मैंने गोल्डिंग के दो जोड़े लाया हूँ जी। जी ये मैं गोल्डिंग के दो जोड़े लाया हूँ जी। ओके। और इसके साथ ओवर बंगलाइज के तीन जोड़े लाया हूँ माशाल्लाह। ओके। और माशाल्लाह बेहतरीन है जी, ये जोड़े बहुत प्यारे हैं। आज मैं इनके बॉक्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो दिखाएं आप बॉक्स, कौन से बॉक्स लेके आए आप इनके लिए? ये मैं बॉक्स लेकर आया हूँ। ठीक हो गया जी माशाल्लाह, क्वालिटी वाले बॉक्स। और माशाल्लाह ये इनके देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई है इनकी। ठीक है, और आज इनमें मैंने ये क्यूपेस पाउडर डालूंगा। ठीक है, और नेस्लिंग डालूंगा। ये आज मैं ये बॉक्स लगाऊंगा। ठीक है जी। ये साथ मेरा ये मेरा पोता है, ये मेरी हेल्प कर रहा है। ये देखें जो इसमें क्यूपेक्स डाल रहा हूँ। ये क्यूपेक्स जो है ये मैं लूर लाता हूँ खुला, और ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी है। दूसरा जो आजकल आ रहा है वो पता है आपको 400 का डब्बा 500 का डब्बा दे रहे हैं, तो वो महंगा पड़ता है। इसलिए मैं खुला लाया हूँ, ये बेहतरीन है। ठीक है, और सस्ता भी पड़ता है। तो माशाल्लाह सामने क्यूपेक्स डालूंगा बारी बारी। इसके बाद इनमें मैं नेस्लिंग रखूंगा, ये मैं क्यूपेक्स डाल रहा हूँ सामने। क्यूपेक्स से क्या फायदे हैं? क्यूपेक्स से इसमें कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होते जो कि परिंदों को नुकसान पहुँचाए। इन परिंदों की एक सूंडी पैदा होती है जो कि इनके जिस्म में चली जाती है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है इनके लिए। परिंदा मर जाता है, पता नहीं चलता, वीक हो जाता है, तो इसके डालने से वो कीड़े नहीं आते इनके अंदर। इनके जो कोने होते हैं ना उनमें खास कर क्यूपेक्स डालनी है नुकड़ों में। ओके ओके। अब क्यूपेक्स डाल दी, अब मैं इसमें इनकी नेस्लिंग रखूँगा। नेस्लिंग रख के ये बात इनको मैं लगा दूँगा। यह मेरे पास नेस्लिंग लाया हूँ मैं। अच्छा, ये भी स्पेशल किस्म की नेस्टिंग होती है? हाँ जी, ये स्पेशल किस्म की नेस्लिंग होती है। इसमें वैसे तो वो नेस्लिंग होती है एक वो चूना मारने वाली कूची, वो भी ला के काट के तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो मोटी होती है। ये नेस्लिंग ये पतली है, नरम है, और ये परिंदों के लिए बहुत अच्छी है। और ये कितनी मिकदार है एक बॉक्स में डालते हैं? बस इसमें ये हिसाब होता है कि वो नेस्लिंग ये अंडे जो दे रहे हैं वो इसके ऊपर दे। ये कुछ पीस मैंने ऐसे रखे हैं, कुछ पीस मैं ऐसे रखूँगा ताकि नीचे कवर हो जाए इसकी बेस। ये ऐसे इसकी बेस कवर हो जाती है, अंडे सेंटर में रहते हैं। ठीक हो गए, यानी इस तरीके से ये नेस्टिंग आएगी। ओके, और इसी तरह ही हम दूसरे बॉक्सेस में भी डालेंगे नेस्टिंग। अभी मैं दूसरे बॉक्स में नेस्टिंग डाल रहा हूँ। दोस्तों मैंने अब अपने इन बॉक्सों की नेस्लिंग मुकम्मल कर ली है। ये अब आपको मैं उनको दिखाता हूँ आपको कि नेस्लिंग कैसे करते हैं बॉक्स में। ये तमाम बॉक्स में मैंने ऐसे नेस्लिंग कर ली है। अब इनको मैं लगाऊंगा पिंजरों के साथ दे। और इनकी माशाल्लाह ब्रीड जो है ना वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, चारों बॉक्स मैंने मुकम्मल कर लिया।
ठीक है। अभी मैं दूसरा बॉक्स लगा रहा हूँ। दूसरा बॉक्स लग चुके हैं। अब ये मैं लगा रहा हूँ ये तीसरा बॉक्स। ओके। और आप ये बॉक्स बाहर क्यों लगाते हैं? ये बॉक्स बाहर इसलिए लगाते हैं कि इनके हम आगे बच्चे जो है ना आराम से चेक कर सके। ठीक है, थोड़ा सा उस साइड। हाँ जी, अब ठीक है। बस बस, ओके। जी मैं इनके आगे सफेद कंगनी और गोल कंगनी ये दोनों मिक्स करके डालता हूँ। ये इनकी बेहतरीन खुराक है और बड़े शौक से ये खाते हैं। और इनके फक जो है ये डेली साफ करनी होती है। ठीक है, ताकि इसमें दाना आसानी से वो खा सके। ये मैं डाल रहा हूँ। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं नेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। गोल्डन की नेस्टिंग भी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है।